पंजाबी इंडस्ट्री से एक बड़ी शॉकिंग खबर सामने आ रही है। सिद्धू मूसेवाला के बाद अब किसी और सिंगर की हत्या करने की साजिश रची जा रही है। दरअसल काफी समय से पंजाब के कई बड़े गैंग के नाम सुर्खियों में है। वहां का माहौल गैंगस्टर्स ने काफी खराब किया हुआ है। इसी बीच अब चंडीगढ़ पुलिस ने बम्बीहा गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें ये गैंग पंजाबी सिंगर बब्बू मान और मनकीरत ओलख को मारने की योजना बना रहा था। इतना ही नहीं, पुलिस ने बम्बीहा गैंग के 4 आरोपियों के पास से हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बम्बीहा गैंग के ये सदस्य बब्बू मान और मनकीरत ओलख को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि इन दावों की पुलिस अभी तक पुष्टि नहीं कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंडीगढ़ SP ने बताया कि बम्बीहा गैंग के 4 सदस्य अवैध हथियारों के साथ पकड़े गए हैं। ये तो नहीं कहा जा सकता कि पंजाब के गायक इनके निशाने पर हैं। हालांकि कनाडा के लकी पटियाला गिरोह के एक सदस्य ने पकड़े गए आरोपियों में से एक को जम्मू कश्मीर से हथियार लाने की बात कही है। सभी एंगल से जांच की जा रही है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस के SP और ऑपरेशन सेल के प्रभारी इंस्पेक्टर ने गोपनीय सूचना के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सामने जानकारी के मुताबिक बब्बू मान और मनकीरत ओलख को मारने के लिए इन आरोपियों ने जम्मू कश्मीर से ऑर्डर देकर AK-47 मंगाई है। ऐसे में भले ही गैंग के 4 आरोपी पकड़े गए हो, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। सिंगर बब्बू मान और मनकीरत ओलख को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। याद दिला दें कि पिछले साल 29 मई को बीच सड़क पर सिद्धू मूसेवाला को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। शूटर्स ने उन पर गोलियों की बारिश कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। तभी से पंजाब पर गैंगस्टर का दबदबा बना हुआ है। वेल, हमारे आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं ऋषिका जैन, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।